इन दिस सेक्शन आई विल भी टेलिंग यू अबाउट द की इंस्टीट्यूशन दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग रिस्क सो वी हैव सीन दैट द फाइनेंशियल सेक्टर और द फाइनेशियल इंस्टीट्यूशन है सो कई सौ सालों में हमने देखा एवोल्यूशन हुआ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का और ये पूरा जो निज़ाम हमें अपने इर्द गिर्द नजर आता है ये हमारे पास अभी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं बैंक्स हैं म्यूचुअल फंड की कंपनी है लीजिंग की कंपनियां हैं इंश्योरेंस की कंपनियां हैं ये इवॉल्व हुए हैं कई सौ साल के सिलसिले पे मुश्तम इनका एवोल्यूशन है तो अभी हम देख सकते हैं कि दे दे ट्राई टू प्रोवाइड यू द सोलूशन टू योर प्रॉब्लम्स और अभी हम बात कर रहे हैं रिस्क के मैनेजमेंट की तो देर आर टू की इंस्टीट्यूशन हु प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग द रिस्क और उसमें सबसे पहले हमारे पास आती हैं इंश्योरेंस कंपनीज और दूसरी हमारे पास है फ्यूचर्स की मार्केट तो वैन वी वैन वी से हम देर आर पीपल हु ट्राई टू ट्रांसफ़र द रिस्क दे माइट गेट इन टू दिस दे माइट फॉलो द स्ट्रेटी ऑफ हैजिंग तो उसमें वो क्या करते हैं दे बिकम अ पार्टिसिपेंट और दे बिकम इन्वेस्टर्स इन द फ्यूचर्स मार्केट सो so, दूसरा ऑप्शन आप, क्या है कि इंश्योरेंस कंपनीज हैं तो अभी वो लोग अगर अपनी रिस्क को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं अपने रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे वो अपने जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं या उनके पास जो एसेट्स हैं उनकी वो इंश्योरेंस बाय कर लेते हैं तो दीज आर द टू की इंस्टीट्यूशंस हु द इन्वेस्टर्स

फाइनेंस की थेरी काफ़ी डेवलप हो गई है पिछले कई सालों में क्योंकि हम पहले फॉर एग्जांपल सिर्फ रैशनल जो बेसिस थे कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रैशनल फैक्टर्स को फैक्ट्स एंड फिगर्स को अकाउंट फॉर करके करते हैं उसको हमने देखा अभी side, कि अभी वी आर मूविंग टू वर्ड्स अभी हेवी आर ऑल साइडी टू टेक इन अकाउंट द इफेक्ट ऑफ द एटीट्यूड एंड द वे यू आर फीलिंग दैट डे ऑन योर फाइनेंशियल डिसशंस तो ये सारी चीज़ें एवोल्यूशन का हिस्सा हैं कि हमें हमने देखा हमारे इंस्टीट्यूशन हमारे टेली सेक्टर हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर डिफरेंट uh, जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ गया है बहुत ज़्यादा तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इंडिकेट करती हैं कि आप यू आर मूविंग टुवर्ड्स दैट टाइप ऑफ अ सेटअप इन विच वी आर स्ट्राइविंग टू सेव आर मनी वी आर स्ट्राइविंग टू सेव आर टाइम वी आर स्ट्राइविंग टू सेव द रिसोर्सेज एंड हाउ डीज ऑल थिंगस कैन बी मेड पॉसिबल दिस इज़ थ्रू द एवोल्यूशन ऑफ़ द और द रेपिड डिवेलपमेंट इन द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर हमें एवोल्यूशन देखने को मिलता है उससे क्या है आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है उसकी ऑपरचुनिटी ज़्यादा डिवेलप होते हैं आपके जो रिसोर्स है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर एलोकेट होते हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अच्छे तरीके से डेवलप हो के इस्ट होने से हासिल हुआ है हमें बट एट द सेम टाइम देर इज अ कॉशन कि जैसे जैसे ज़्यादा इदारों पे हम डिपेंड करते हैं तो वोलेटिलिटी इंक्रीज़ करता है डिपेंडेंस इंक्रीज करता है तो ये फ़ायदे भी देते हैं हमें लेकिन एट द सेम टाइम देर कुड बी सम अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो कि हैंडल नहीं भी हो सकती तो ये कोई हंड्रेड परसेंट सोल्यूशन नहीं मिल सकता विट विच वी विच वी नीड टू अंडरस्टैंड देर डू प्रोवाइड आ सोल्यूशंस दे डू हेल्प आस इन मैनेजिंग द रिस्क टू विच वी कैन गेट एक्सपोज टू बट देर कुड बी सर्टन इंस्टेंसेज जिन में ये आपको फुल्ली मदद नहीं दे सकते जैसे अभी हमारे पास पेंडामिक की वजह से आपने देखा कि ऑल दो सारे इंस्टीट्यूशनस ने वॉट दे कोड हैव डन उन्होंने हमें मदद करने की रिस्क को मैनेज करने के लिए मददगार साबित होते हैं बट एट द सेम टाइम देर आर अ नंबर ऑफ बिजनेसिस जिनको इंश्योरेंस कंपनीज या तमाम चीज़ें नहीं बचा पाई और वो कोलेप्स हो गई सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन मैनेजिंग द रिस्क बट द सेम टाइम देर दिस इज़ नॉट अ हंड्रेड परसेंट सोल्यूशन देर कैन नॉट प्रोवाइड अ हंड्रेड परसेंट सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स सो वी वी कैन गो फॉर अ कॉम्बिनेशन कुछ नुकसान हो कुछ फ़ायदा हो लेकिन इनके होने से हमारा जो रिस्क है उसके मैनेज होने के चांसेस ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं और इकोनॉमिक एफिशिएंसी का लेवल भी इंक्रीज करने में ये काफ़ी अहम रोल प्ले करते हैं